मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र का विधिवत पूजा कर किया लोकार्पण। चिड़ियाघर का अवलोकन कर जानवरों के रखरखाव की ली जानकारी। जानवरों के खान पान का ध्यान रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र चिड़ियाघर के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, एक महीने तक स्कूली बच्चों के लिए जू रहेगा फ्री। स्कूल प्रबंधन से जानवरों को गोद लेने की अपील। नवागत SSP दिनेश कुमार पी ने किया पदभार ग्रहण। CM के आगमन के मद्देनजर गोरखनाथ मंदिर का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने बताया, 29 मार्च को होली के दिन बंद रहेंगी जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, ताड़ी, डिनेचर स्प्रिट, बार, अनुज्ञापन भांग, क्लब एवं होटल बार, मॉडल शॉप की दुकानें। अनुज्ञापन धारकों को नहीं दे होगा कोई प्रतिफल। शनिवार को जिले में कमान संभालने के बाद नवागत SSP दिनेश कुमार मीडिया से हुए रूबरू। कहा, कानून व्यवस्था बेहतर बनाना ही होगा उनकी मुख्य प्राथमिकता। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लोगों का कुलपति ने किया विमोचन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA द्वितीय वर्ष की छात्रा मीनू चौरसिया के लोगों को मिली मंजूरी, बनी प्रथम विजेता। कुलपति ने कहा, 12 अप्रैल को प्रस्तावित है दीक्षांत समारोह। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ रिटर्निंग ऑफिसरों का प्रशिक्षण कार्यशाला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,651। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 146 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर न्यूज के माध्यम से जिले के नवागत SSP दिनेश कुमार ने जनपद वासियों को दी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, कोरोना के प्रति भी रहे सतर्क। रंगों के महापर्व पर सजी रंग गुलाल व पिचकारी की दुकानें। खरीदारी करते नजर आए लोग। जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई कांग्रेस पार्टी की पंचायत चुनाव की तैयारी बैठक। जिला पंचायत के 68 वार्डों पर प्रत्याशी उतारने पर बनी रणनीति। और होली के महापर्व के अवसर पर कृष्ण कुंज संस्थान द्वारा कालीबाड़ी मंदिर में किया गया होली महोत्सव का आयोजन। नृत्य संगीत के साथ खेली फूलों की होली। दी एक दूसरे को होली की बधाई।